ईंधन संरक्षण पर निबंध प्रस्तावना। कुदरत ने हमें बहुत सी वस्तुएं उपहार स्वरूप दी हैं। उन्होंने दुनिया और हमारे ग्रह पृथ्वी को बनाया। पृथ्वी पर हम मानव निसंदेह विभिन्न चीजों पर निर्भर हैं। हम ईंधन पर भी निर्भर हैं। ईंधन एक चीज है जिससे ऊर्जा का उत्पादन होता है। हमें खुद को जीवित रखने के लिए विभिन्न चीजों की आवश्यकता होती है। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है भोजन। खाना पकाने के लिए हमें ईंधन की आवश्यकता होती है। इसलिए ईंधन बहुत महत्वपूर्ण है। और इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए भोजन मानव शरीर में ईंधन की तरह काम करता है। यह मानव शरीर को ऊर्जा देती है। और साथ ही मानव और जानवरों के विकास और जीवन को बनाए रखने में मदद करते हैं। ईंधन किसे कहते हैं? ईंधन का अर्थ एक पदार्थ है जो परमाणु ऊर्जा, गर्मी या शक्ति प्रदान करने के लिए जलाया जाता है।
कोयला, लकड़ी, तेल या गैस जैसी सामग्री जलने पर ऊष्मा निकलती है। मेथेनॉल, गैसोलीन, डीजल, प्रोपेन, प्राकृतिक गैस, हाइड्रोजन आदि ईंधन के प्रकार हैं। प्लूटोनियम को जलाने से परमाणु ऊर्जा उत्पन्न होती है। ईंधन दक्षता से हम यह माप सकते हैं। कि कोई भी वाहन कितने समय तक यात्रा कर सकता है। जो ईंधन की खपत के विपरीत है। ईंधन की खपत एक विशेष दूरी की यात्रा करने के लिए ईंधन वाहन के उपयोग की मात्रा है। ईंधन की क्षमता किलोमीटर प्रति लीटर में मापी जाती है। जिस दक्षता के साथ ईंधन ऊर्जा का रूपांतरण करता है, उसे ईंधन दक्षता के रूप में जाना जाता है। उपसंहार। बढ़ती जनसंख्या के कारण दिन ब दिन ईंधन की मांग बढ़ती जा रही है। वस्तुओं के उत्पादन और अन्य सुविधाओं के लिए समान रूप से ईंधन की मात्रा की आवश्यकता को देखते हुए नवीन साधनों की जरूरत है। अन्यथा जिस प्रकार से हम ईंधनों का अनावश्यक उपयोग कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब धरती से ये प्राकृतिक ईंधन खत्म हो जाएंगे। और साथ ही इससे प्रकृति का संतुलन भी बिगड़ जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो
प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए और अपने सुझाव फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर बता दीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज के अपलोड्स आपको पता चलती रहे। बाय बाय।